फ्रेंड्स, तो हम लोग कहाँ पे हैं ये आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को सरप्राइज मिल गया होगा आज इतना है कि हम लोग कहाँ हैं। आप लोग स्टेशन ले आती है तो आप लोग देख सकते हो हम लोग स्टेशन पे हैं। एक मिनट, कहीं जाइए कि नहीं रुकिए। कुछ बोलो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी मम्मी, ये है दूसरी दीदी, नहीं दूसरी नहीं पहली दीदी, ये है दूसरी दीदी, ये है हमारे बड़े पापा, ये हमारे पापा, बड़े पापा हेलो कर रहे हैं, और ये हूँ मैं। बड़े पापा बोलो हेलो कर रहे हैं। हेलो हेलो करो, हाथ से करो, अब भी हेलो करो, अब भैया हेलो करो। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो मैं गांव पहुंच चुकी हूं और स्टेशन से स्टार्ट किया था और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तब से मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं हो पाया। आज पता नहीं क्या हो गया, फ़ोन में चार्ज हो ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और गांव में पहुंच चुकी हूं और ये देखिए, ये कमरा मेरी जिठानी का है, जिठानी लगी है काम करा रही हूँ उनसे अभी मैं। तो ये देखिए, ये जिठानी काम करने में लगे हुए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा रोशनी की प्रॉब्लम है। और सारे गांव में पहुंच चुके हैं, बहुत ही मुश्किल से पहुंचे हैं। ट्रेन के जो है, ट्रेन यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, बीच रास्ते में हमें उतार दिया था ट्रेन ने, और फिर ऑटो से आए हैं। यानी कि एक डेढ़ घंटे का सफ़र हमने ऑटो में किया, आज तक किसी ने नहीं किया होगा ऑटो का सफ़र, तो हमने ऑटो में सफ़र किया डेढ़ घंटे तक करीब। तो इसी तरीके से हम गाँव पहुँचे हैं आके, और आई होप आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग तो बस पहुंच चुके हैं, तो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। और बेटी लगा रही है पोचा, ये देखो, और ये गांव का घर है, आप लोगों को देख लीजिए मेरा गांव का घर कैसा है। थोड़ी सी जगह है, ज़्यादा जगह में मेरा घर गांव का नहीं बना हुआ है, तो आप लोगों को दिखाती पीछे पूरा मंजा ही मंजा दिख रहा है। यहाँ पर बिस्तर ही बिस्तर लगे हैं, पूरा बरामदे में बिस्तर ही लगे हैं, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं इसलिए बिस्तर लगे होते हैं लोगों के लिए। और ये है मेरा कमरा, तो आप लोग दिखाती हूँ अंदर से, मेरा कमरा दिखाई देती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा रूम, अभी आके थोड़ा सफाई किया और हस्बैंड लेटे हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए काना से आप लोगों को मिलाती हूँ, काना और लड्डू और लल्ला से आप लोगों को मिलाया नहीं है आज, आप लोगों को और भी लोगों को मिलाती हूँ। और पोछा लगा हुआ, थोड़ा सा गीला है हमको लगता है, तो यहीं से दिखाती हूँ मैं। वो देखिए वहाँ पे लेटी हुई, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए लड्डू कान्हा लल्ला सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब तीन तीन हो चुके हैं यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। मारो मत यार, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहा है निमोना, मटर पीस गया है, आलू इतना सही पड़ेगा इसमें, ज़्यादा आलू नहीं पड़ता, मटर ज़्यादा पड़ती है, पीसा हुआ मटर का निमोना। जगह जगह खा का भैया बहनी आवाज जा खा जा, एकदम देहाती। हाँ देहाती, और बना कौन रहा है जिठानी जी, मिल लीजिए आप लोग जिस जिसने नहीं मिला हो, सब मिले हैं। अरे बहुत रोज नए आते रहते हैं, पुराने वालों को तो पता ही होगा लेकिन नए जो हैं उन्हें नहीं पता होगा। ये बर्तन और चूल्हे पे बन रहा है आज खाना, आज मैं पिछले 15 दिन से पिछले 15 दिन से आके बना रही हूँ। नई वैरायटी है हम लोगों के लिए, तो बहुत पुरानी है। आप लोगों के लिए नया है चूल्हे का निमोना, आगे से ज्यादा से चल रहा है पीछे से। अच्छा उस पास से बैठे हैं। और किचन हमारी, ये देखिए किचन का लोकेशन कैसा है, ये घास फूस से किचन बनाया गया है स्पेशल चूल्हे के लिए, क्योंकि घर काला हो जाता है ना इसलिए। ओरिजिनल अंदर है, ओरिजिनल अंदर है, बाकी ये बाहर।
और चूल्हे का निमोने को अच्छे से भून भून के बनाइए, खा के देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। जो गांव से बिलोंग करता उन्हें तो पता ही होगा, और जो शहर के हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो आप लोग भी आ जाइए चूल्हे का निमोना चावल और रोटी खाने के लिए। चावल बन गया, चावल बन गया है ये देखो, और निमोना बन रहा है।